नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। दिवाली के बाद हालात और भी खराब हो सकते हैं। प्रदूषण की वजह से सांस लेने, आंखों में जलन, आंखों में पानी या आंखों के इन्फेक्शन लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में आपको आज हम कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जो आपको प्रदूषण से बचने में मदद करेंगे। अगर आपको आंखों में जलन हो रही है तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप सुबह शाम ठंडे पानी के छींटे अपनी आंखों में मारते रहें। इससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। अगर आंखों में रेडनेस की समस्या बढ़ रही है तो इसके लिए गुलाब जल काफी असरदार है। आप चाहे तो गुलाब जल की कुछ ड्रॉप अपनी आंख में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप गुलाब जल को कॉटन में डिप करके इसके आई पैक बनाकर अपनी पलकों पर रख सकते हैं। इससे आपको काफी रिलैक्स लगेगा। इसके अलावा जो कारगर उपाय है वो है धनिये के बीज का पानी। जी हाँ, धनिये के बीज को आप पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए रखिए और इसके बाद इसे उबाल लीजिए। इस पानी को छानकर कॉटन में डिप करके इसको अपनी आंखों पर लगाने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा और प्रदूषण से जो आपकी आंखों को नुकसान हो रहा है वो कम होगा। इसके अलावा सौंफ का पानी भी बेहद मददगार है। सौंफ का पानी आंखों में लगाने से आंखों में होने वाली कई तरह की समस्याएं, इन्फेक्शन जैसे आंखें लाल हो जाना या फिर आंखों से पानी आना, इन समस्याओं से आपको राहत मिल सकती है। इसके लिए भी आपको वही तरीका अपनाना है। करीब एक चम्मच सौंफ आपको पानी में भिगोनी है और उसके बाद इसे उबालना है। इस पानी को ठंडा होने के बाद आप छान लें और उसके बाद इसमें कॉटन डिप करने के बाद अपनी आंखों पर इसे लगा सकते हैं। एक और जो कारगर उपाय है वो ये है कि आप एलोवेरा जेल, जो सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है, उस एलोवेरा जेल में थोड़ा सा पानी और थोड़ा आइस क्यूब डालकर एक लिक्विड तैयार कर लें और इसे अपनी आंखों पर धीरे धीरे कॉटन की मदद से लगाएं। आप चाहें तो इसे आइस पैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी उपायों को अपनाने के बाद आपको पोल्यूशन से अपनी आँखों की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।